या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। अब्दुल रहीम साहब मालूम ये करना चाहते हैं, मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब से मुरीद होना चाहते हैं तो क्या उन जब वो मुरीद करते हैं उनकी एक रिकॉर्डेड ऑडियो जो है इंटरनेट पर चलती है और वो जिस ऑडियो में दोहराते हैं अगर उस तरह से उसको दोहरा ले जाए तो क्या मुरीद हो जाएंगे नहीं होंगे, ये इनका सवाल है। क्योंकि इनको मिलना जो है वो दुश्वारी है, यानी पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो इस तरह से रिकॉर्डेड ऑडियो के ऊपर मुरीद नहीं हो सकते, यानी वो किसी मजमे की रिकॉर्डिंग है और उसके अंदर मुरीद कराया गया है मजमे में और वो जो अल्फाज उन्होंने दोहराए हैं बाद में वो रिकॉर्ड करके ऑडियो डाल दी जाए नेट पर और आप ये चाहते हैं कि उसको सुनकर जो वो दोहराते हैं आप दोहरा लें, तो इस तरह बैत नहीं होगी, शरई एतबार से इस तरह बैत नहीं होगी। बाकी अब अगर ना भी मिल पाए, अकीदत अगर आपको उनसे रहेगी तो इंशाल्लाह ताला उस अकीदत का भी रोज़े क़यामत आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगरचे कोई ज़ाहरी मुरीद ना हो पाए तब भी इंशाल्लाह ताला वो उनका फैज़ भी पाएगा और उसको ज़ाहरी तौर से और हशर के दिन भी उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर शरई एतबार से बैत होना चाहते हैं तो फिर वही या तो ख़त के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से चाहे बराह रास्त जाकर उनसे बैत होना पड़ेगा, या उस मजमे में अगर हों कि जहाँ बैत कराया जा रहा हो आप उस चीज़ को दोहराएं, या फिर ऑडियो वगैरह में कहीं लाइव सिलसिला होता हो कि जहाँ वो बरेली शरीफ या कहीं बैठ कर पूरी दुनिया के लोगों को अगर बैत कराते हैं लाइव या मोबाइल कॉल के ज़रिए, तो इस सूरत में आप बैत हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा है। वरना ये कि रिकॉर्डेड ऑडियो सुनकर जहाँ दूसरों को बैत कराया जाए मुरीद इस तरह से नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा